Okay, so last class we studied about mutual inductance, right? And I told you that there is a reciprocity theorem. मतलब M12 is equal to M21 होता है। ये मैंने बोला था लेकिन प्रूफ नहीं दिया था, ठीक है? आज हम उसका प्रूफ भी करने वाले हैं और उसके अलावा हम क्या सीखने वाले हैं, आज एनर्जी स्टोर्ड हम देखने वाले हैं। तो जब सेल्फ इंडक्टेंस होती है तो एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, हाफ LI स्क्वायर होती है, राइट? अब म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो हमें पता है कि इस वाली एक इंडक्टर है और दूसरा इंडक्टर है, दोनों के अंदर कुछ कुछ तो एनर्जी स्टोर होगी, राइट? तो इट टर्न्स आउट कि इसके अंदर कुछ हाफ LI स्क्वायर आएगी एनर्जी, इसके अंदर भी हाफ LI स्क्वायर आएगी और साथ में कुछ इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। इस तरह की बातें हम कैसे करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम लोग बोलते थे कि कुछ शेल की सेल्फ एनर्जी है, कुछ इस शेल की सेल्फ एनर्जी है और कुछ दोनों शेल्स की आपस में इंटरेक्शन एनर्जी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसी तरह से कुछ सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एनर्जी होगी और कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से एनर्जी होगी, जिसको हम कह सकते हैं इंटरेक्शन एनर्जी। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है वो अभी हम लोग देखते हैं, उसकी मैथमेटिक्स क्या है। तो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन, ठीक है? सो प्लीज पे केयरफुल अटेंशन। क्या लिखा मैंने, मेरे पास दो इंडक्टर्स हैं, ये L1 और ये L2, और इनका कपलिंग कोएफिशिएंट जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस वो M दे रखा, ठीक है? क्या लिखा, वी इनिशियली अज्यूम I1 एंड I2 टू बी जीरो। मान लो दोनों इंडक्टर्स में इनिशियल करंट्स मेरे जीरो हैं, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं, नाउ सपोज वी बिल्ड करंट I1 इन द कॉइल व्हाइल मेंटेनिंग जीरो करंट इन द कॉइल 2। तो मैंने क्या किया, कॉइल 2 को ओपन सर्किट ही रखा हुआ है और कॉइल 1 में मैं करंट बिल्ड कर रहा हूं। अब मैं करने क्या जा रहा हूं, फ्लो क्या है समझ लो, मैं क्या करूंगा इसके अंदर करंट बिल्ड करूंगा और करंट बिल्ड करने की प्रोसेस में इसकी बैटरीज ने कितना वर्क किया वो कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? पहले I2 को जीरो रखते हुए इसमें करंट बिल्ड किया, बैटरी का वर्क निकालूंगा। फिर क्या करूंगा, इसमें I1 बिल्ड करने का, इसके करंट को कॉन्स्टेंट रखते हुए दूसरी कॉइल में I2 बिल्ड करूंगा और फिर देखूंगा कि बैटरीज ने कितना वर्क किया। तो अभी क्या है, फाइनल सिचुएशन क्या आ गई, इसमें I1 बिल्ड हो चुका है, इसमें I2 बिल्ड हो चुका है और बैटरीज ने जितना भी टोटल वर्क किया दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी इन स्पेस। समझ में आ रहा है कि आप लोग? तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, पहले इसमें I1 बिल्ड किया, बाद में और I2 को जीरो रखते हुए इसमें I1 बिल्ड किया और फिर इसके करंट को कांस्टेंट रखते हुए I2 बिल्ड किया, ये पहला ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होगा। फिर यही कॉन्फ़िगरेशन एक और तरह से मैं अचीव करूंगा। कैसे अचीव करूंगा, पहले मैं I2 को बिल्ड करूंगा I1 को जीरो रखते हुए और फिर I2 को कांस्टेंट रखते हुए I1 बिल्ड करूंगा, समझ गए? तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, इसमें I1 बिल्ड हो चुका है, इसमें I2 बिल्ड हो चुका है। तो मुझे पता है कि स्पेस में स्टोर्ड एनर्जी तो दोनों केसेस में सेम होनी चाहिए, राइट? लेकिन फर्क क्या हम देखेंगे, एक केस में M12 आएगा एक्सप्रेशन में, एक केस में M21 आएगा, क्योंकि स्पेस में स्टोर्ड एनर्जी सेम है तो उससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि M12 और M21 बराबर है। तो अब देखते जाओ इसकी मैथमेटिक्स, ठीक है? तो क्या किया मैंने, लिखा वी इनिशियली अज्यूम I1 एंड I2 टू बी जीरो, दोनों पहले जीरो है, सो दैट इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी इन द स्पेस इज जीरो, दोनों में करंट जीरो, स्पेस में मैग्नेटिक एनर्जी जीरो। नाउ सपोज वी बिल्ड करंट I1 इन द कॉइल व्हाइल मेंटेनिंग जीरो करंट इन कॉइल 2। अभी क्या होगा, पावर कितना होगा कॉइल 1 में? तो देखो यहाँ पे वोल्टेज मेरी V1 है, ठीक है? तो और ये जो वोल्टेज है, अगर इसमें करंट तुम बिल्ड करो, इंडक्टर है तो LdIdt के बराबर वोल्टेज होगी, राइट? तो इस वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, LdIdt लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब पावर डेवलप क्या हो जाएगा, इसकी जो बैटरी का पावर डेवलप है वो क्या हो जाएगा, L1 di1 by dt into I1। इतना तक समझ में आया, क्योंकि ये कॉइल के अंदर कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो है ही नहीं और तो इसकी जो वोल्टेज है वही यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी उतनी, समझ गए कि नहीं? तो इसमें जब करंट बिल्ड करो तो दिस वोल्टेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू LdIdt, ऐसा बोल सकते हो, राइट? और जो भी बैटरी का जो वोल्टेज है इनटू करंट दैट इज द पावर, तो वही लिखा, समझ में आई बात कि नहीं? फर्स्ट कॉइल में ये पावर है इंस्टेंटेनियस। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड फॉर बिल्डिंग I1 क्या हो जाएगा, पावर को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो उठा के, तो क्या आ जाएगा U1, क्या आ जाएगा, आप LiDi को इंटीग्रेट करोगे P1 dt, तो इधर LiI1 dI1, उसका इंटीग्रल क्या होगा, हाफ LI1 स्क्वायर। समझ में आ रही बात है, जीरो से I1 तक इंटीग्रेट करोगे तो वो हमारा हाफ L1 I1 स्क्वायर है। फेयर इनफ, मैंने डेफिनेट इंटीग्रल बना के नहीं दिखाया बट आई होप इतना तो समझ ही गए होगे कि जीरो से I1 तक इंटीग्रेट करें। तो अभी क्या है, पहली कॉइल में करंट I1 बिल्ड हो चुका है, दूसरी कॉइल में अभी भी करंट जीरो है। अब दूसरी कॉइल का करंट बिल्ड करेंगे व्हाइल मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट करंट इन कॉइल 1। अभी ध्यान से समझना एक बार, अगर दूसरी कॉइल में मैं करंट बिल्ड कर रहा हूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से पहली कॉइल के अंदर भी कुछ ईएमएफ जनरेट होगी, राइट? लेकिन मैं पहली कॉइल के करंट को कांस्टेंट मेंटेन करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो बैटरी बनी है उस बैटरी को कैंसिल करने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी फर्स्ट कॉइल में, ताकि फर्स्ट कॉइल का करंट मैं कॉन्स्टेंट मेंटेन कर सकूं। मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू इंक्रीज द करंट इन कॉइल 2 व्हाइल मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट करंट इन कॉइल 1। So what I am saying is to maintain constant current in coil 1, I will have to cancel the mutual inductance battery by applying an external battery. तो इसका मतलब ये है कि दूसरी जो बैटरी मैं लगा रहा हूँ इस प्रोसेस में भी फर्स्ट कॉइल में भी वर्क हो रहा होगा,
ये मत सोचना कि उसका करंट कांस्टेंट है तो वर्क नहीं हो रहा होगा। एक्सटर्नल बैटरी म्यूचुअल इंडक्टेंस की बैटरी को कैंसिल करने के लिए लगाई है, वो मेरी वर्क कर रही होगी। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या लिखा अभी ध्यान से समझो, फुल अटेंशन। नाउ कीपिंग आई वन एज कॉन्स्टेंट वी बिल्ड अ करंट आई टू इन कॉइल टू, हाउएवर इन कॉइल वन देयर विल बी अ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या होगा वो एम वन टू डी आई टू बाई डी टी। समझ में आई बात की नहीं? म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट एम वन टू है, एम वन टू डी आई टू बाई डी टी की ईएमएफ इंड्यूस होगी इसमें। एंड अ बैटरी मस्ट वर्क अगेंस्ट इट टू मेंटेन आई वन कॉन्स्टेंट, आई वन को कॉन्स्टेंट मेंटेन करने के लिए इस ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की ईएमएफ को कैंसिल करने के लिए एक्सटर्नल बैटरी लगाएगी। तो समझ में ठीक है। तो और आई वन को कॉन्स्टेंट रखा है। ऑल्सो अ बैटरी इन कॉइल टू इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग अप आई टू। अब इसके अंदर मेरे को क्या है, एल टू के अंदर मेरे को करंट बिल्ड करना है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल टू डी आई बाई डी टी की बैटरी लगानी पड़ेगी, एल टू डी आई टू बाई डी टी की बैटरी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, इसमें म्यूचुअल की कुछ भी ईएमएफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ईएमएफ इसमें? क्योंकि आई वन कॉन्स्टेंट मेंटेन किया हुआ है, राइट। म्यूचुअल की ईएमएफ तब होती है जब आई वन मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा था, लेकिन आई वन को मैंने कॉन्स्टेंट मेंटेन किया है, तो इसके अंदर खाली सेल्फ की बैटरी जो बन रही है उसके करेस्पॉन्डिंग मुझे एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी जो वर्क कर रही है। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखा, ठीक है, तो M12 DI2 battery and battery must work against it to maintain I1 constant, ये तो पहले बोल दिया था। Also a battery in coil 2 is required for building up I2, combining the power of coils in this step. इस step में क्या होगा, तो coil 1 में तो इतना power generate होगा, कितना मतलब supply हो रहा होगा, M12 DI2 by DT into I1, basically battery जो लगाओगे वो इतनी की battery लगाओगे और into I1, तो EMF into current यही होता है ना power develop, तो इतना ये क्या लिखा हुआ है, ये coil 1 में power लिखा हुआ है, right? Supplied by the external battery. और ये क्या लिखा हुआ है, L2 DI2 by DT, ये coil 2 के अंदर इतना power generate हो रहा है into I2 करके। Making sense? ठीक है, pay full attention, तभी ये बात समझेगी, ये involved concept है, बहुत मुश्किल नहीं है, but if you lose the track then you will not be able to understand, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये power developed हो जाएगा मेरा second step में, जब I1 को constant maintain करते हुए मैं I2 को develop कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एनर्जी स्टोर्ड स्टेप में क्या होगी, फिर पावर डीटी को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एम वन टू आई वन आई टू, इसका इंटीग्रल दिख रहा है ना, डीटी इधर ले जाओगे तो आई वन तो कांस्टेंट है, आई वन डी आई टू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आई वन आई टू, राइट। और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आई टू डी आई टू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आई टू स्क्वायर बाई टू। तो सेकेंड स्टेप में कितना एनर्जी स्टोर हुआ स्पेस में, एम वन टू आई वन आई टू प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर, क्या समझ में। तो अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्रोसेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप में जितना हुआ था और सेकंड स्टेप में जो हुआ था दोनों को ऐड कर देते हैं, उतना जितना टोटल वर्क किया बैटरीज ने उतना स्पेस में एनर्जी स्टोर हुआ। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन स्पेस कितना हुआ, हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर एंड प्लस एम वन टू आई वन आई टू, ठीक है। अब यहां से समझ में आ रहा है कि क्या करने वाला हूं, मेरे को दूसरे को पूरे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है यहाँ पे एम वन टू जो एम टू वन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें फर्स्ट स्टेप में हाफ एल टू आई टू स्क्वायर आएगा और सेकेंड स्टेप में हाफ एल वन आई वन स्क्वायर और प्लस एम टू वन आई वन आई टू आ जाएगा, ये दिख रहा है कि नहीं। तो क्या लिखा, नाउ वी कुड ऑल्सो अचीव द सेम फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, दैट इज फर्स्ट बिल्डिंग आई टू एंड देन बिल्डिंग आई वन कीपिंग आई टू कॉन्स्टेंट। तो फिर उस केस में यू क्या आ जाएगा, हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम टू वन आई वन आई टू, लेकिन क्योंकि फाइनल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही, स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही अचीव होगा फाइनली, इसका मतलब क्या है, दोनों ही एनर्जीज बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है बराबर होना चाहिए। द ओनली वे दैट इज पॉसिबल इज इफ एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन, और यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। तो बट सिंस फाइनली अचीव कॉन्फ़िगरेशन इज सेम, दस फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एम वन टू इज इक्वल टू एम टू वन इज इक्वल टू एम, तो हमको बार बार इसके सब्सक्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वन टू और टू वन लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो सेम ही है, ठीक है। तो क्या लिख दिया यू, अच्छा, और यहाँ पे हमने प्रूफ खाली रेसिप्रोसिटी नहीं प्रूफ की, हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि इंटरैक्शन एनर्जी कितनी होती है, ये सेल्फ एनर्जी है पहले कॉइल की, ये सेल्फ एनर्जी है दूसरे कॉइल की, और ये क्या होना चाहिए, ये इंटरैक्शन एनर्जी होना चाहिए, इज इट नॉट। तो इंटरैक्शन एनर्जी क्या होती है, एम आई वन आई टू। अब इसके अंदर भी क्या है, सपोर्टिंग फ्लक्सेस होते हैं तो स्पेस में एनर्जी बढ़ेगी। सोच के देखो, एक कॉइल ऐसे है इससे इस तरफ फील्ड जा रहा है, खुद का फ्लक्स भी इधर है और दूसरी कॉइल इसके सामने उसमें भी इधर है, तो लाइक करंट्स है, लेट अस से लाइक करंट्स हैं, सेम सेंस में करंट्स अगर जा रहे हैं तो स्पेस में लार्जर फील्ड क्रिएट करेंगे, इज इट नॉट। जबकि अपोजिंग करंट्स होंगे तो स्पेस में स्मॉलर फील्ड क्रिएट करेंगे, समझ में बात की नहीं। तो क्या आ जाएगा यहीं पे, ये प्लस एम आई एन आई टू भी हो सकता है, और एम को अनसाइंड वैल्यू ले रहे हो यानी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, समझ लो, या तो एम को हमेशा ही साइंड वैल्यू ले लो, तो ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू हो जाएगा, ठीक है।
तो एम को यहाँ साइन इरिडो के हिसाब से चलते हैं, तो इसको एम को साइन वैल्यू ले लेंगे, तो सपोर्टिंग फ्लक्स या अपोजिंग फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, राइट। तो क्या लिखा, दिस एक्सप्रेशन कैन बी थॉट ऑफ एज सम ऑफ सेल्फ एनर्जीज एंड इंटरेक्शन एनर्जीज ऑफ द कॉइल्स विद एम आई वन आई टू टर्म रिप्रेजेंटिंग द इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स और हैं, उसके बाद में इकट्ठे तुम लोगों के डाउट्स लेता हूँ। तो आई रीड थ्री फोर रिमार्क्स एंड देन आई गिव यू टाइम, यू कैन रीड थ्रू इट, कॉम्प्रिहेंड इट नाइसली एंड देन वी डिस्कस। ठीक है, तो रिमार्क्स सारे एक साथ पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा उसके बाद, दिस एक्सप्रेशन कैन बी, ये तो पढ़ दिया था मैंने, इफ बी वन इज द फील्ड ड्यू टू कॉइल वन एंड बी टू इज द फील्ड ड्यू टू कॉइल टू, स्पेस के अंदर दोनों से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो कॉइल वन के मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो कहीं पे भी है उसको बी वन बोल रहा हूँ, कॉइल टू की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसको मैं बी टू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या दिखा सकते हैं, इट कैन बी शोन दैट इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ द कॉइल्स इज सिंपली वन बाई म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ बी वन डॉट बी टू डी वी। ये कैसे दिखा सकते हैं, अभी वो देखते जाओ। स्पेस में टोटल स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, बी वन प्लस बी टू वैक्टर सम होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू नॉट, ये स्पेस में एनर्जी डेंसिटी है, बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर मॉड स्क्वायर डिवाइड बाई टू म्यू नॉट, डी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट होता है ना, बी नेट क्या है, बी वन वैक्टर प्लस बी टू वैक्टर, तो ये समझ में आ रहा होगा, ये मेरी टोटल स्पेस में स्टोर्ड एनर्जी है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको डॉट प्रोडक्ट की तरह लिख सकता हूँ, बी वन प्लस बी टू डॉट बी वन प्लस बी टू, फेयर एनफ। और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू म्यू नॉट बाहर आते रहने दो, तो बी वन स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट डी वी प्लस बी टू स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट डी वी एंड प्लस वन बाई म्यू नॉट बी वन डॉट बी टू डी वी, राइट। ये क्या हो गया, ये तो हाफ एल आई वन स्क्वायर हो गया, सेल्फ एनर्जी होगी पहली कॉइल की बी वन स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट का इंटीग्रल है वॉल्यूम, ये क्या हो गया सेकेंड कॉइल का सेल्फ एनर्जी हो गया, तो ये क्या है, इसका मतलब दिस मस्ट बी द इंटरेक्शन एनर्जी, समझ में आई बात की, तो बी वन डॉट बी टू डी वी अपॉन म्यू नॉट, ये देखना यहाँ पे एक्चुअली दो बार आएगा, बी वन डॉट बी टू भी आएगा, बी टू डॉट बी वन भी आएगा, इसलिए टू की जगह ये वन म्यू नॉट लिखा है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना कि ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आर टर्म वो है, ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी। क्लियरली द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स रिप्रेजेंट द सेल्फ एनर्जी ऑफ द टू कॉइल्स, देयरफॉर द थर्ड टर्म मस्ट बी द इंटरेक्शन एनर्जी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज एविडेंट दैट इन केस ऑफ थ्री कॉइल्स मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो अभी मान लो दो की जगह तीन कॉइल्स होते तो क्या होता, तो फिर बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री होल स्क्वायर बाय टू में नॉट करते, तो उसमें क्या आता, फिर जब उसका होल स्क्वायर करोगे तो उसमें बी वन डॉट बी टू बी वन डॉट बी थ्री बी टू डॉट बी थ्री इस तरह के भी टर्म्स आएंगे, समझ में बात के नहीं, और बी वन स्क्वायर बाय टू में नॉट बी टू स्क्वायर बाय टू में नॉट एक्सेट्रा ये सब कुछ आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उस केस में टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एल वन आई वन स्क्वायर प्लस हाफ एल टू आई टू स्क्वायर प्लस हाफ एल थ्री आई थ्री स्क्वायर, और उसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म्स एम वन टू आई वन आई टू एम वन थ्री आई वन आई थ्री एंड एम टू थ्री आई टू आई थ्री एंड सो ऑन, मतलब सक्सेसिव इंटरेक्शन एनर्जीज और आ जाएंगे। ठीक है, हालांकि मैंने जेई में इस तरह का क्वेश्चन देखा नहीं जहाँ पे तीन इंडक्टर के साथ में इंटरेक्शन एनर्जी की बात हो, बट समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इट कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर इंडक्टर्स एज वेल, जितने भी इंडक्टर्स होंगे एन सी टू नंबर ऑफ टर्म्स उसके आते चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस सेक्शन वॉज फेयरली इन्वॉल्व, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, सब लोग इवन बिफोर यू आस्क अ क्वेश्चन रीड दिस थिंग अगेन, कॉम्प्रिहेंड करो, टेक टू मिनट्स फाइव मिनट्स व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड and then let me know if there is a query, it will take some time to understand what exactly it means, ठीक है, take your time। इसके बाद रेसिप्रोसिटी को लेके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार क्या होता है तुमको पता है फ्लक्स थ्रू टू जो होता है बेसिकली m क्या होता है मेरा m होता है phi 2 डिवाइडेड बाय i1 होता है राइट विच इज ऑल्सो इक्वल टू phi 1 डिवाइडेड बाय i2, यही मतलब है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस रेसिप्रोसिटी का, फ्लक्स थ्रू टू डिवाइड बाई करेंट इन वन इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू वन डिवाइड बाई करेंट इन टू, तो इसका यूज करके कई बार फ्लक्स कैलकुलेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार क्या होता है पूछते हैं इसके अंदर फ्लक्स लेकिन निकालना आसान होता है उसके अंदर फ्लक्स, उसका फ्लक्स तो उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस रेसिप्रोसिटी यूज करके इनडायरेक्टली हम लोग फ्लक्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फ्रेम विद साइड्स ए एंड बी। अब यहाँ पे भी बच्चों को लगता है ये इनफाइनाइट वायर का इंडक्टेंस का क्या मतलब है, लूप की बात करते हैं हम तो इनफाइनाइट वायर का क्या मतलब है, तो सोच के देखो ये जो इनफाइनाइट वायर में अगर करंट जा रहा है, अब इनफाइनाइट वायर के साथ में इन्फिनिटी पे अगर लूप कंप्लीट भी कर दूं तो मुझे पता है जो एक्स्ट्रा तुमने तारे लगा के लूप कंप्लीट किया है, समझो कि इसके लेफ्ट जो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट पूरे को एनक्लोज करता हूं, अगर मैंने कोई लूप बना भी लिया तो मुझे पता है इस तार की वजह से इस तार की वजह से इस तार की वजह से इसके थ्रू कुछ भी फ्लक्स नहीं होगा, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस में इस लूप से, इसमें जो भी फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, खाली इस वाली तार की वजह से होगा, समझिए। तो जब भी इनफाइनाइट वायर के साथ इंडक्टेंस की बात करो तो इसका मतलब है इनफाइनाइट वायर के साथ इन्फिनिटी पे एक लूप कंप्लीट कर रहे हैं एक इनफाइनाइट साइज का, अब वो चाहे तुम सर्कुलर लूप कंप्लीट करो या रेक्टेंगुलर करो क्या ही फर्क पड़ता है, वो सारी वायर तो इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही है इस वाले लूप से, समझ में। तो अब इसका मतलब क्या है, क्या पूछा है, इस इन्फिनिट वायर की इस लूप के साथ इंडक्टेंस पूछिए, तो क्या है इसमें करंट जा रहा है
तो समझो वही वाले लूप में करंट जा रहा है, उस करंट की वजह से इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लो, डिवाइड बाई ये वाला करंट कर दो, तो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, मान लो मुझे इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस पता चली गई, और मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन में पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं निकलवाएगा तुमसे, तुमसे ये पूछेगा कि ये रेक्टेंगुलर लूप के अंदर करंट जा रहा है, इस रेक्टेंगुलर लूप के करंट की वजह से ये वाले इसके सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट से फ्लक्स कितना होगा। अभी बहुत ट्रेडी प्रॉब्लम है डायरेक्टली अप्रोच करो तो, क्यों इस रेक्टेंगुलर लूप का फील्ड कितना अजीब सा होगा सब जगह पूरे स्पेस में, उसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, बहुत ही गंदी प्रॉब्लम हो जाएगी, इज इट। तो क्वेश्चन अगर ये पूछा है कि रेक्टेंगुलर लूप की वजह से सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट से कितना फ्लक्स होगा, तो इनडायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट को लपेटता हुआ एक लूप इमेजिन करूं, उसकी वजह से इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लूं, और उसके बाद फिर क्या यूज कर दूं, फाइव टू अपॉन आई वन, यानी फाइव टू वन अपॉन आई वन इक्वल टू फाइव वन टू अपॉन आई टू, उसका यूज करके झट से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, समझ में बात करें। तो इस थीम के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट यूजिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस रेसिप्रोसिटी यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच आर अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू डू और इवन इम्पॉसिबल टू डू बाय हैंड, समझ में आई बात करें। तो अभी इस क्वेश्चन को अभी खुद से करो, तो पहले तो इसकी इंडक्टेंस निकाल लो, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है, इसकी इंडक्टेंस निकालो जल्दी से करो। हाँ, तो इसमें देखो फ्लक्स कैसे निकलेगा, फ्लक्स तो सिंपल ही है, इसको लूप वन मान लो, इसको लूप टू मान लो, तो अभी टू के थ्रू वन की वजह से फ्लक्स निकालना है, तो क्या होगा, फील्ड तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स, तो कई बार कर चुकी है प्रॉब्लम, और इसकी स्ट्रिप ले ली तो इन टू बी डी एक्स, समझ गए, तो इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो तो लॉग में आ जाएगा म्यू नॉट आई बी बाई टू पाई लॉग ऑफ एल प्लस ए अपॉन एल, ये आ गया। क्या करना है, फाइव टू वन डिवाइड बाई करंट इन वन, तो आई से बस डिवाइड कर दो तो ये मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई, ठीक है। अब इसको यूज करते हुए आगे क्या रिमार्क लिखा, रिमार्क क्या बेसिकली सोचने की प्रॉब्लम है, सपोज इन रेक्टेंगुलर लूप अ करंट स्मॉल आई वर फ्लोन, इस रेक्टेंगुलर लूप में स्मॉल आई करंट अगर मैं दौड़ा देता हूं, व्हाट वुड बी द फ्लक्स टू द सेमी इन्फिनिट प्लेन टू द लेफ्ट ऑफ द वायर, मुझे इसके अंदर करंट दौड़ा के पूछा है कि इधर जो सेमी इन्फिनिट प्लेन है उसमें कितना फ्लक्स होगा, तो क्या कर सकते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है तुमको, इसमें करंट दौड़ा के इसके थ्रू फ्लक्स निकाल लो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 521 डिवाइडेड बाय आई वन इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय आई टू, राइट। तो मुझे क्या निकालना है, अभी मेरे को ये वाला निकालना है ना, तो मेरे को 512 निकालना है, 512 को क्या लिख सकते हो, 521 बाय आई वन इंटू आई टू, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई टू कर दोगे, खत्म। आई वन समझ में कि नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल चुके हो, इस लूप के करंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये फ्लक्स आ गया, खत्म। आया समझ में कि नहीं, क्लियर। इससे एक और जबरदस्त बात पता चल रही है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इस वाले लूप से आई है, वही अगर मान लो ये लूप को मैं सोचो ये इन्फिनिट वायर को फिर जेड एक्सिस के अलोंग बाहर निकालता है, ऐसे भी तो मैं कंप्लीट कर सकता था ना, उसके साथ भी म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम ही आती, बात समझ आ रही कि नहीं, वाई जस्ट इन दिस प्लेन, सपोज यू कंप्लीट द लूप लाइक यू फ्रॉम दिस पॉइंट यू कम आउटसाइड द आउटसाइड अलोंग जेड एक्सिस एंड देन मूव पैरेलल टू दिस वायर एंड देन कंप्लीट द लूप, तो मतलब समझ गए, ये जो लूप है मैं इसको वाई जेड प्लेन में भी तो कंप्लीट कर सकता था, तो भी मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही आती ना, क्योंकि बाकी वायर्स तो जीरो ही फील्ड दे रही होती, राइट। इसका मतलब क्या, उसके थ्रू भी फ्लक्स यही आएगा एम इन टू आई टू, फॉर दैट मैटर वाई ओनली एक्स वाई प्लेन एंड वाई जेड प्लेन, इनके बीच में कोई भी आड़ा टेढ़ा प्लेन ले लो, सबके साथ सेम ही आएगा फ्लक्स, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अच्छा, बाय द वे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, इसमें अगर कुछ भी करंट दौड़ा दिया मैंने, कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेट फ्लक्स टू द एंटायर एक्स वाई प्लेन, कितना होगा पूरे एक्स वाई प्लेन से, कितना फ्लक्स होगा, कोई भी लूप है इसमें करंट मैंने दौड़ा दिया, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स टू द एंटायर एक्स वाई प्लेन, सोच सकते हो तो बोलो, नहीं तो बोल मैं बताता हूँ, अच्छा आंसर है इसका, बोल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाती है, तो सोचो ये जो तुमने करंट कैरिंग लूप लिया, इससे जितनी फील्ड लाइन अंदर की तरफ घुस रही है, तो ये सारी की सारी फील्ड लाइन कहीं ना कहीं एक्स वाई प्लेन को चीर के वापस आएंगे, इज इट नॉट, तो एवरी फील्ड लाइन विल बी क्रॉसिंग द एक्स वाई प्लेन ट्वाइस, तो इसका मतलब क्या, नेट फ्लक्स जो एक्स वाई प्लेन से जीरो ही होने वाला, आई बात समझ में कि नहीं। फॉर दैट मैटर, अच्छा मान लो एक्स वाई प्लेन की जगह मैं पूछता वाई जेड प्लेन से कितना फ्लक्स होगा, बता सकते हो वाई जेड प्लेन से कितना फ्लक्स होगा, खाली इस लूप में करंट अगर जा रहा है, ये करंट कैरिंग वायर को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, खाली इस लूप में अगर आई करंट जा रहा है तो वाई जेड प्लेन से कितना फ्लक्स होगा, सोच के बोलो, वापस जीरो होगा, क्योंकि इससे जो वाई जेड प्लेन को पीछे की तरफ क्रॉस करेगी वो आगे की तरफ भी कभी ना कभी क्रॉस करेगी फील्ड लाइन, तो वो भी जीरो ही होगा, समझ गए कि नहीं। या फिर कोई भी आड़ा टेढ़ा प्लेन ले लो तुम स्पेस के अंदर, उसको एक बार पीछे की तरफ क्रॉस करेगी एक बार आगे की तरफ क्रॉस करेगी फील्ड लाइन, है ना, इनफाइनाइट प्लेन अगर लोगे तो आड़ा टेढ़ा प्लेन लोगे उसमें भी तुम्हारा जीरो फ्लक्स ही आ जाएगा, समझ में बात नहीं, एवरी फील्ड लाइन विल क्रॉस ट्वाइस, या तो एक बार भी क्रॉस नहीं कर रही है, दो बार क्रॉस कर रही है तो फिर जीरो आ जाएगा, है ना। हाँ, इसका आंसर जल्दी से लिख दो फिर अपने स्क्रैच बुक के अंदर, जल्दी से कर लो इसको। हाँ, सिंपल ही है, क्या लिखा, इमेजिन कंप्लीटिंग द बाउंड्री ऑफ सेमी इन्फिनिट प्लेन, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सच अ लूप विद द रेक्टेंगुलर लूप इज सेम एज दैट वी कैलकुलेटेड, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो यही है,
512 is equal to 521 into I2 upon I into MI2. So this required flux क्या होगा? 512 हो गया, current से multiply करते हो mutual inductance तो flux आ गया, ठीक है? तो चलो अभी एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग. बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं. याद है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर टोटल चार्ज फ्लो मेजर करता है, ठीक है? तो डोंट कंफ्यूज इट विद द गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर केवल चार्ज, टोटल चार्ज फ्लो मेजर करता है, ठीक है? तो अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, अभी ध्यान से देखो. अ स्मॉल सिलिंड्रिकल मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ थिन कॉइल ऑफ रेडियस स्मॉल ए एंड कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्न्स. तो ये मेरे पास कोई कॉपर कॉइल है जिसके अंदर टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, फिर भी थिन कॉइल है. सोलेनोइड की तरह नहीं ट्रीट करना इसको, रिंग्स के कलेक्शन है बेसिकली, स्टिल इट इज थिन. तो एक रिंग की वजह से फील्ड इनटू नंबर ऑफ टर्न्स करके निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये कॉइल है हमारी एन टर्न्स की. कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बी. यहाँ पे इस कॉइल के एंड्स को मैंने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया. द एक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इज इक्वल टू आर. इसकी जो पूरी टोटल रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस मेरी आर, ठीक है? क्या पूछा? फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इफ द रिमूवल फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट्स इन अ चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. हमें पता लगाना है कि इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है. तो अभी मैग्नेट्स तो तुमको इंट्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन मैग्नेट को करंट कैरिंग लूप जैसे ही मान सकते हो, समझ गए? ये मैग्नेट जो है नॉर्थ साउथ पोल जो है ये ऐसे ही एज इफ की कोई करंट कैरिंग लूप को मैंने यहाँ से हटा दिया, समझ गए? तो मैग्नेट को जस्ट समझो कि करंट कैरिंग लूप है छोटा सा, और उस छोटे से करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट मुझे कैलकुलेट करना है. अगर इसको हटाने से यहाँ पे कितनी फ्लो कर रही है हमारी चार्ज, जो फ्लो कर रहा है वो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है? ओके, ठीक है. तो अभी इसमें हो क्या रहा है पहले ये सोचो. तो यहाँ पे जब तुमने मैग्नेट रखी हुई है, इसकी वजह से कुछ तो फ्लक्स होगा मेरे, ऐसे करके कुछ फील्ड लाइन जा रही होंगे, है ना? तो इस कॉइल के थ्रू भी कुछ तो फ्लक्स होगा ना इसका. अब इस कॉइल को तुमने इन्फिनिटी पर रिमूव कर दिया तो ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा, समझ में आ रही है बात? कॉइल के अंदर पहले कुछ फ्लक्स था, और उसके बाद जब इस कॉइल को, ये छोटी कॉइल है, ठीक है? इस छोटी कॉइल में समझो कोई करंट वरेंट जा रहा है इस तरह से, और इस करंट कैरिंग कॉइल को मैंने इन्फिनिटी पर रिमूव कर दिया. तो पहले फ्लक्स था कॉपर, ये कॉपर वाली जो ये दिख रही है लंबी वाली कॉइल, बड़ी वाली कॉइल, और बाद में इससे फ्लक्स मेरा जीरो हो गया. अब याद करो ईएमआई में क्या पढ़ा था हमने, जब भी किसी कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होता है तो करंट क्या होता है उसके थ्रू? डेल्टा फाई डिवाइड बाय आर, यानी चार्ज पास्ट क्या होता है? डेल्टा चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता है, राइट? तो इसका अंदर इनडायरेक्टली मेरी प्रॉब्लम किसमें रिड्यूस हो गई? मुझे ये पता करना है कि चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ. अब चेंज इन फ्लक्स को तुम्हें कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस से अभी तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा. तो खुद से सोचना है तो सोचो, उसके बाद डिस्कस करते हैं. नहीं समझ में आएगा तो बोल दो, फिर समझा देते हैं. हाँ, तो यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे क्वालिफाइंग स्टेटमेंट लिखिए. थिंक ऑफ मैग्नेट एज अ स्मॉल करंट कैरिंग लूप या पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल जैसा इमेजिन करना, ठीक है? बहुत छोटा सा लूप है, तो यानी इस कॉइल का रेडियस जो बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू ये जो छोटा सा हमने लूप इमेजिन किया, इसका रेडियस बहुत छोटा है, ठीक है? ट्राई करो कुछ से. बाय द वे, इसके अंदर किसी को ये डाउट आ सकता है कि व्हाट अबाउट द फ्लक्स चेंज ड्यू टू द सेल्फ इंडक्टेंस. एक्चुअली सेल्फ इंडक्टेंस की वजह देखो तो इनिशियल फ्लक्स भी जीरो है, फाइनल फ्लक्स भी जीरो है, सेल्फ की वजह से अगर हम देखें तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेल्टा फाइव आर में तो टोटल नेट चेंज इन फ्लक्स देखना होगा ना. लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इनिशियली तो कोई करंट बह नहीं रहा जो कॉपर कॉइल है उसमें, तो इनिशियली भी जीरो. और जब जो उस वाले बीच वाले कॉइल को उठा के इन्फिनिटी पे ले गए तब भी फिर कोई करंट जो बहना था वो बीच में जो भी है एलआर सर्किट वगैरह बन के वो खत्म हो चुके हैं करंट सारे, तो इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा. चार्ज फ्लो जो है खाली म्यूचुअल इंडक्टेंस का ही रोल है वहां पर, ठीक है? कर लो. तो मुझको क्या निकालना है एसेंशियली, देखो मेरे को यहाँ पे चेंज इन, मुझे पता है जो चार्ज फ्लो है वो क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगा. इतना तो याद होगा ईएमआई में, तो जो टोटल चार्ज फ्लो होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस. ये हमने ईएमआई में प्रूफ किया था. इसका भी प्रूफ चाहिए तो दो लाइन का ही प्रूफ है इसका. हमें पता है कि करंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट? तो 1/r d∅dt होता है, राइट? तो इसी से मेरे पास क्या आ जाएगा, dt से मल्टीप्लाई करते हो दोनों तरफ और इंटीग्रेट करते हो तो चार्ज फ्लो क्या आएगा, डेल्टा फाई डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, राइट? तो अगर मेरा चेंज इन फ्लक्स मेरे को मालूम है और रेजिस्टेंस मालूम है, तो चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस को मैं चार्ज से इक्वेट कर सकता हूं, समझ में आ रही बात? तो सवाल यह है कि अब चेंज इन फ्लक्स कैसे निकाला जाए. है क्या मेरे पास, यहाँ पे एक छोटा सा लूप है, इस लूप की वजह से तो अजीब से ऐसे ऐसे करके कुछ फील्ड लाइन जा रहे होंगे. वैसे करना चाहो तो उस लूप की वजह से भी हम निकाल सकते हैं फील्ड, लेकिन क्या है बहुत पास में, पास के पॉइंट्स पे इस लूप का जो फील्ड लाइन का एक्सप्रेशन है वो थोड़ा गंदा है. दूर के पॉइंट्स पे तो इक्वेटोरियल फील्ड हमें पता है, तो हम चाहें तो इस लूप का डायरेक्ट फ्लक्स मैं निकाल सकता हूँ. अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है तो मुझे पता है इधर 2 km/r³ होता है फील्ड, और इसके इक्वेटोरियल प्लेन में
केम बाय आर क्यू फील्ड होता है, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैं चाहूँ तो डी आर थिकनेस का एनुलस ले सकता हूँ, उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ आर वेरिंग फ्रॉम जी, बट उसमें चक्कर ये है कि वो जो केम बाय आर क्यू वाला फॉर्मूला है वो आर टेंडिंग टू जीरो पे गलत हो जाता है, वो केवल फार डिस्टेंस पे वैलिड है, तो फिर उसको या तो फिर बहुत मतलब गड़बड़ हो जाएगी, यानी उससे फ्लक्स कैलकुलेशन में यहाँ पे बहुत सारी चीजें अचानक से क्रॉस हो रही है, तो मैं लग रहा होगा कि थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, पास का रीजन इग्नोर कर देते हैं और दूर का बस इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि पास के रीजन में अच्छी खासी फील्ड लाइन जा रही होंगी, तो छोटे से ही एरिया से अच्छा खासा फ्लक्स हो सकता है, तो वहां पे इस तरह का इशू आ रहा है वहां पे, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका देखो, मतलब ये तरीके पे मैं वापस आता हूँ, एक और तरीका बताता हूँ जो कर सकते हो तुम, जो डायरेक्ट दिख रहा है, क्या कर सकते हो, इसको मैग्नेटिक पॉइंट डाइपोल मानते हुए, तुम्हें पता है कि पूरा अगर मैं इनफाइनाइट प्लेन ले लूँ उसके थ्रू नेट फ्लक्स जीरो है, अभी थोड़ी देर मैंने बताया था ना पहले कि एक्स वाई प्लेन में कोई कॉइल रख लूँ उसकी वजह से पूरे एक्स वाई प्लेन में नेट फ्लक्स तो जीरो होगा, इसका मतलब क्या, इस मैग्नेटिक डाइपोल से अगर ये रेडियस मेरा ए दे रखा है, ए से इंफिनिटी तक जो भी फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स इस रीजन में भी होगा मैग्नीट्यूड वाइज, इज इट नॉट, क्योंकि टोटल फ्लक्स जीरो है, तो इस रीजन में जितना ऊपर की तरफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है उतना ही कहीं ना कहीं से नीचे की तरफ क्रॉस कर रही है, तो इफ यू रियली वांट टू डू इट डायरेक्टली विदाउट यूजिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस यू कैन डू इट स्टिल, क्या करो, इस डायपोल की वजह से ए से लेके इंफिनिटी तक इसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ मान लो स्मॉल एम, मान लो मैग्नेटिक मोमेंट, उस मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में तुम्हें आर डिस्टेंस पे फील्ड कितना हो जाएगा तुम्हारा, के एम बाय आर क्यू फील्ड हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल से ऐसे करके ऐसे फील्ड लाइन जा रही होगी, तो के एम बाय आर क्यू मेरा फील्ड है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे dr थिकनेस का एनुलस ले लो, उसके थ्रू छोटा सा फ्लक्स निकाल लो और उसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से, a से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो, तुम्हें फ्लक्स आ जाएगा a से लेके इंफिनिटी तक, और तुम्हें पता है a से इंफिनिटी तक जितना फ्लक्स है और जितना जीरो से a तक फ्लक्स है उन दोनों का सम मेरा नेट जीरो होने वाला है, आगे बात समझ में नहीं, तो इससे डायरेक्टली तुम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, एसोसिएटेड विद दिस, और वो फ्लक्स पर टर्न होगा तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्लक्स लिंकेज के लिए, एक तो ये तरीका हो गया फ्लक्स निकालने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब दूसरा तरीका समझो, पहला तरीका समझ में आया सभी को, इंटीग्रेट करके कैसे निकाल सकते हो फ्लक्स, मैंने किया नहीं हो नोट्स के अंदर लेकिन समझ में आया कि नहीं, डायरेक्टली विदाउट यूजिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस आल्सो यू कैन डू इट। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो मैग्नेटिक मोमेंट एम है, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लूप इमेजिन करो कुछ स्मॉल आर रेडियस का, तो अब इस स्मॉल आर रेडियस के लूप की वजह से मुझे इसके अंदर फ्लक्स निकालना है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसकी वजह से इसके थ्रू फ्लक्स निकालना, तो मैं क्या करता हूँ, इनडायरेक्ट रूट अपनाता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पे छोटा सा सर्कुलर लूप इमेजिन करता हूँ, बाहर में आई करंट दौड़ाता हूँ, उस आई करंट की वजह से देखता हूँ इसके थ्रू कितना फ्लक्स है, फिर क्या करूंगा, फिर रेसिप्रोसिटी यूज कर सकता हूँ कि इसमें करंट आई दौड़ा के इसके अंदर फ्लक्स पता है, तो दिस फ्लक्स डिवाइड बाई इस करंट का रेशियो शुड बी इक्वल टू, इसमें अगर करंट दौड़ा दूं और इसके थ्रू फ्लक्स, उसका रेशियो भी वही होगा, तो इसका यूज करके इनडायरेक्टली मैं निकाल पाऊंगा फ्लक्स कितना, समझ में आई बात की नहीं, यूजिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस रेसिप्रोसिटी, तो यही वाला अप्रोच मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ, फर्स्ट अप्रोच भी समझ में आई ना, अब सेकंड अप्रोच में करने वाला हूँ, तो क्या लिखा मैंने, लेट अस इमेजिन द मैग्नेट एज अ स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ रेडियस स्मॉल आर विच इज मच मच लेस देन ए, ये बहुत छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल क्वेश्चन में मैंने लिख दिया, एरोडो ने बोला नहीं है बट अगर मैग्नेटिक मटीरियल की अंडरस्टैंडिंग है तो खुद ही सोच लेते हैं, बट मैंने बोल दिया कि इसको ऐसा मानना है कि कॉन्स्टेंट करंट क्या रही पॉइंट मैग्नेटिक डाइपोल जैसा, ठीक है, रेडियस इसका बहुत छोटा है, तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, सोच के देखो, अब बाहर वाली कॉइल की वजह से तुम्हें पता है सर्कुलर टर्न्स है, तो एक टर्न की इनर फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई टू आर, राइट, और आर रेडियस ए दे रखा है, तो म्यू नॉट आई बाई टू है, तो एक टर्न का फील्ड हुआ, और एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो म्यू नॉट एन आई बाई टू है, ये बाहर वाले में अगर आई जोड़ा है तो इतना मेरा फील्ड हो गया इधर नियर द सेंटर, अब बहुत छोटा सा है तो नियर द सेंटर और थोड़ा सा ऑफ सेंटर करीब करीब सेम फील्ड मान सकते हो, तो इसका मतलब क्या, उसको सीधे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, फ्लक्स हो गया छोटे से लीक के थ्रू बाहर वाले करंट की वजह से, डिवाइडेड बाय करंट कर दिया, तो ये मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गई, इतना तो समझ में आया, म्यू नॉट एन पाई आर स्क्वायर बाय टू ए, ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, ठीक है, छोटे से लूप का बाहर वाले लूप के साथ, ओके, फाइव वन टू डेड बाई टू किया, हम मान लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा जो मैग्नेट या केलो लूप इसका है, इसमें मान लो कैपिटल आई करंट जा रहा है, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, राइट, कैपिटल आई इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, अगर इसमें आई करंट दौड़ रहा होगा, तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल इनटू द मैग्नेट क्या हो जाएगा, अब इस मैग्नेट की वजह से इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस, ध्यान रखना कैपिटल एम स्मॉल एम में कंफ्यूज मत हो जाना, स्मॉल एम मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज कर रहा हूँ, कैपिटल एम में म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो कितना फ्लक्स हो जाता है, कैपिटल एम इंटू आई, और कैपिटल एम की ये वैल्यू मेरी, तो कितना हो जाता है, कैपिटल एम की वैल्यू डाल दो, तो म्यू नॉट एन पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाय टू ए इंटू कैपिटल आई, ठीक है, अब
पाई इंटू आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, इसको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैंने मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया, ठीक है। तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, मेरे को मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली ही निकलने वाला, वो समझ में आया क्योंकि वो एज इट इज सब्स्टिट्यूट हो गया, आई पाई आर स्क्वायर का टर्म एज इट इज सब्स्टिट्यूट हो गया, तो ये मेरा फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब चार्ज पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स तो जो भी इनिशियल फ्लक्स है फाइनल फ्लक्स तो जीरो ही है, तो चेंज इन फ्लक्स वही हो जाएगा जो इनिशियल फ्लक्स है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज बोले अदर चेंज तो उसका नेगेटिव होगा, बट फाइनल फ्लक्स तो जीरो ही है। तो इसका चार्ज पास क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, राइट। तो दिस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो क्या आ गया, ये बस वैल्यूज डाल दो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इसको क्यू से इक्वेट कर दिया और बस अब स्मॉल एम को सब्जेक्ट बना लो, मैग्नेटिक मोमेंट, तो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चाहो तो दूसरे तरीके से करना चाहते हो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी करना है तो ट्राई कर लो, दूसरा तरीका भी खुद से ट्राई कर लो। दूसरा तरीका समझ में आया था ना, क्या बोला था मैंने, उसका मैग्नेटिक मोमेंट एम मानते हुए ए से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दो, जीरो से ए तक मत इंटीग्रेट करना। प्रॉब्लम क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि जीरो पे वो एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है, इसलिए जीरो से ए तक मत इंटीग्रेट करना, वो एक अप्रोक्सीमेशन है। आर इक्वल टू जीरो पे फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगा तुम्हारा, तो हो सकता है पता नहीं इंटीग्रेट भी ना हो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी अच्छी बात से। तो इसलिए ए से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करके फ्लक्स निकालो, और उसके बाद फिर आगे का प्रोसीजर यही है, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक प्रॉब्ली दैट कुड बी क्विकर ऑल्सो, जल्दी से कर लो दूसरे मेथड से, ठीक है। तो ये कर लिया तुम लोगों ने दूसरे मेथड से, बस ये ध्यान रखना जीरो से ए तक इंटीग्रेट नहीं करने लगना, डिवीजन बाय जीरो आएगा, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे। जीरो से ए में के एम बाय आर क्यूब इंटू टू पाई आर डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन बाय आर में आ जाएगा और वो डिवीजन बाय जीरो आ जाएगा, और वो ऑब्वियसली जीरो से डिवीजन आने में कोई कोई फैलेसी भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वन बाय आर क्यूब वैलिड ही नहीं, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए वैलिड है, तो स्मॉल डिस्टेंस पे लगा रहे तो ऑब्वियसली कुछ गलत आएगा, ठीक है ना। तो ए से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, तो उससे हमको इनडायरेक्टली पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ठीक है, फिर अगले एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, अभी यहाँ पे मेरे पास कपल्ड सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कोई बैटरी लगा हुआ है, मान लो वी वोल्टेज का बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने कोई इंडक्टर कॉइल लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक और इंडक्टर कॉइल है, और बस समझो शॉर्ट सर्किटेड इंडक्टर रखा हुआ है। ये सर्किट है, ये तो एल आर सर्किट है नॉर्मल जैसा, लेकिन इसके पास में एक शॉर्ट सर्किटेड इंडक्टर रखा है। कई बार बच्चों को लगता है इसका क्या करना है, कनेक्टेड थोड़ी ना, बस इसको एल आर सर्किट की तरह सॉल्व कर देते हैं। नहीं, जो साइड में तुमने शॉर्ट सर्किटेड इंडक्टर रखा है, इसकी वजह से इस सर्किट में फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। जैसे यहाँ पे पंखे का स्विच ऑन ऑफ करते हो तो प्रोजेक्टर तुम्हारा शेक करता है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है। पंखे का सर्किट डायरेक्टली सीरीज में नहीं है प्रोजेक्टर के सर्किट के साथ, लेकिन मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, तो पंखे का नॉब इधर उधर करते हो तो एक सेकंड के लिए चला जाता है प्रोजेक्टर। समझ में आ रही बात कि नहीं, बिकॉज देयर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। इसी तरह से ये सर्किट सिंपल एलआर सर्किट की तरह नहीं डील कर सकते इसको। यहाँ पे इसके अंदर कुछ करंट इंड्यूस होगा, इसके इंड्यूस करंट की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से इसमें करंट्स का कुछ फर्क तो पड़ेगा ना, इंड्यूस होगी बैटरी, तो प्रॉपर साइन के साथ में इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप करो, ठीक है, जल्दी से करो। इसको क्या लिखा, एडजेसेंट सर्किट डेवलप द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन करंट आई वन, इस करंट को आई वन बोला, इसमें लेफ्ट लूप में डिफरेंशियल इक्वेशन बना, जल्दी से करो। हाँ, और उसके बाद फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट भी करना है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ करना है मैथमेटिकली कि वो वेरिएबल सेपरेबल फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको इंटीग्रेट करके हमारा करंट आ सके, ठीक है। ट्राई करो, सॉल्यूशन कोई नहीं पड़ेगा, खुद से ट्राई करो। तो सब लोग अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। यहाँ पे ऊपर डॉट लगा, यहाँ पे भी ऊपर डॉट लगा है, तो इसमें अगर इस डॉट में करंट एंटर होता हुआ दिखाया, इस सेंस में मैंने आई टू माना, तो इसमें अगर एंटर हो रहा है करंट, तो यहाँ पे म्यूचुअल की बैटरी इस ये वाला डॉट पॉजिटिव होगा। जब एक डॉट में करंट एंटर होता है तो दूसरा डॉट पॉजिटिव होता है, नॉन डॉटेड एंड में करंट एंटर होता है तो नॉन डॉटेड पॉजिटिव बनता है। तो म्यूचुअल की बैटरी ऐसे बनेगी एम डी आई टू बाई डीटी, ठीक है, सेल्फ में तो कोई पंगा ही नहीं है, सेल्फ तो एल डी आई वन बाई डीटी ऐसे बनेगी। तो इसके लिए लूप लॉ इक्वेशन क्या बनेगी, आई वन आर प्लस एल कैपिटल डी, मतलब डी बाई डीटी को लिखा हुआ है, एल डी आई वन बाई डीटी प्लस एम डी आई टू बाई डीटी एंड माइनस बी इक्वल टू जीरो। तो समझ में आई पहले लूप की इक्वेशन। नाउ फॉर द सेकेंड लूप, सेकेंड लूप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बैटरी बनेगी, यहाँ पे देखो आई वन करंट इधर एंटर हो रहा है, तो इधर ये एम डी आई वन बाई डीटी की बैटरी ऐसे बनेगी, ठीक है, तो बस तो क्या हो जाएगा, और एल डी आई टू बाई डीटी की बैटरी भी ऐसे बनेगी, तो क्या हो जाएगा दूसरे के लिए, एम डी आई वन बाई डीटी प्लस एल डी आई टू बाई डीटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। कैपिटल डी से मैं डी बाई डीटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन को एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मेरा I2 एलिमिनेट हो सके। समझ गए, यहाँ पे I2 का कोएफिशिएंट m आ रहा है, DI2 का कोएफिशिएंट m आ रहा है, और यहाँ पे DI2 का कोएफिशिएंट l आ रहा है, ऊपर को
एल से मल्टीप्लाई करो, नीचे को एम से मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा, आई टू गायब हो जाएगा ना। तो बस आई टू को गायब करके मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, एंड दिस इज सिंपल वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन। तो एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर डी आई बाई डी टी इक्वल टू ये आ गया, ठीक है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर लो, इसको इधर लेके जाओ, मतलब आई वन वाले टर्म इधर ले जाओ, टी को उधर लेके जाओ, तो टी इक्वल टू जीरो पे करंट इज जीरो, टी इक्वल टू टी पे करंट इज जो भी है आ जाएगा, ठीक है। तो उसका यूज करके करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। हम चाहें तो इसका इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट की भी बात कर सकते हैं, यानी समझो ये शॉर्ट सर्किटेड कॉइल नहीं रखी मैंने, तो इसी की क्या इफेक्टिव इंडक्टेंस है, दैट शॉर्ट सर्किटेड कॉइल विल अल्टीमेटली बी इक्विवेलेंट टू सम इफेक्टिव इंडक्टेंस इन दिस, इज इट नॉट, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ टाइप का ही आएगा करंट जो है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी इफेक्टिव की भी बात कर सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट कॉइल रख दी, इट्स एज इफ ये इंडक्टेंस हमने बढ़ा दिया घटा दिया, देख लेना जो भी आएगा, ऐसा बढ़ाना ही आना चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो दो सर्किट्स होंगे तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम्हें डील करना पड़ेगा। तो क्या है सिस्टम से, तो हमने स्लाइडर वाले सर्किट्स में भी डील किया, इज इट नॉट, उसमें भी तो क्या होता है, एक लॉ ऑफ मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, एक लूप की इक्वेशन आती है, तो ठीक है एलिमिनेट करके हो जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। इसके बाद ये मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत दिमाग लगाया और ग्राफिक्स भी बड़े मन से मैंने बनाया, दिल लगा के बनाया मैंने ग्राफिक्स इसका। तो ये प्रॉब्लम शायद पूरी हम डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, बट आई वांट टू गिव सम इंट्रोडक्शन टू दिस प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, ये प्रॉब्लम डेली डिस्कस करूंगा, और इसके अलावा क्या कहते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स मैं ऐड करूंगा, आई टेक सम गुड प्रॉब्लम्स प्रॉब्ली फ्रॉम पाथफाइंडर, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास ऑन इंडक्टेंस, ठीक है। तो अभी मैं इस प्रॉब्लम को बस इंट्रोड्यूस कर दे रही। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास एक परफेक्टली कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, ये कोई परफेक्टली कंडक्टिंग रिंग है, इसमें आई करंट मेरा फ्लो कर रहा है। So you bent a perfectly conducting thin circular current carrying coil through an angle of 90 degree while a constant current was maintained through it. तो इसके अंदर क्या है, constant current maintained है और इस ring को मैं bend कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस bending process में क्या हुआ, देखो क्या लिखा, the change in magnetic potential we stored in entire space in the process was 2 joule. जब इसको मैंने bend किया तो space के अंदर 2 joule energy change हो गई मेरी, ठीक है, okay. In the bending process this is the net change in the energy stored in space. What was the work done by you in the bend in bending the coil? तो इसको bend करने में हमने कितना work किया होगा? सोच के देखो, यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, अब यहाँ पे ऐसे करंट जा रहा है, तो इनको पास पास लेके आ रहे हो, तो एक तरह से ये करंट और ये करंट आपस में रिपेल कर रहे होंगे ना, अनलाइक करंट रिपेल करते हैं दूसरे को, तो इसको जब बेंड कर रहे हो तो इस मैग्नेटिक रिपल्शन के अगेंस्ट तुमने वर्क किया होगा, समझ में आई बात के नहीं। तो क्या पूछा है, हमने इसमें कितना वर्क किया, हो सकता है ये नंबर अप्रोप्रिएट ना हो, ये हो सकता है हमारा वर्क तो पॉजिटिव आ रहा है ना, उसके अंदर बैटरीज भी, हाँ बाय द वे जब इसको तुम बेंड कर रहे हो इसमें करंट कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए कुछ बैटरीज ने भी वर्क किया होगा, है ना, तो वो सब हमको अकाउंट में लेना पड़ेगा। और हमको अच्छा, और जो बेंडिंग प्रोसेस में हमें सिर्फ मैग्नेटिक फोर्सेस को या मैग्नेटिक एनर्जीज को ही कंसीडर करना है, ऑब्वियसली बेंड कर रहे हो तो इसकी मटेरियल कुछ रिड्डी अच्छा खासा मोटा दिख रहा है, इसको बेंड करोगे तो यंग्स मॉडल्स के करेस्पॉन्डिंग कुछ इलास्टिक एनर्जी वगैरह भी चेंजेस हो रहे होंगे, उन सबको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम मानना है कि ये जो लूप है बिल्कुल ये इसकी मटेरियल रिडिटी वगैरह कुछ नहीं है, लूप फ्रंट लूप है, बस उसको बस बेंड कर रहे हैं, समझ गए कि नहीं, ठीक है। तो इसमें कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ इसमें क्या क्या हो रही है चीजें। एक चीज देखो, ईएमएफ जो होती है हम कह देते हैं एम डी आई बाई डी टी, क्या ये सही है? तुम बोलोगे हाँ सर आपने तो हमेशा ये यूज किया एम डी आई बाई डी टी, हमेशा से बता रहे हो, अब गलत बोल दोगे क्या इसको? चक्कर ये है कि ईएमएफ जो है एम डी आई बाई डी टी तब होती है जब एम कॉन्स्टेंट हो, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल का जो फ्लक्स होता है वो m इंटू आई होता है, यानी 521 जो होता है वो m1 वन इंटू आई टू होता है, फ्लक्स मेरा m इंटू आई टू होता है, यानी 5 थ्रू 1 बिकॉज ऑफ 2, तो वो क्या होता है मेरा m इंटू आई टू होता है, फ्लक्स थ्रू 1 बिकॉज ऑफ 2। अब अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉन्स्टेंट, मेरा emf क्या होता है, d5 बाई dt होता है ना, तो d5 बाई dt जो होगा m इंटू आई को जब डिफ्रेंशिएट करोगे इट विल नॉट बी m di बाई dt, इट विल बी एम डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एम बाई डी टी, बात समझ आ रही है कि नहीं? तो कॉन्स्टेंट करंट मेंटेन करते हुए भी म्यूचुअल की ईएमएफ बन सकती है, यानी दो कॉइल्स हैं, इसमें भी करंट कॉन्स्टेंट है, इसमें भी करंट कॉन्स्टेंट है, अब इन लूप्स की ओरिएंटेशन मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, पहले ऐसे ऐसे रखे हैं लूप्स, अब इनको फेसिंग कर दे रहा हूँ, मान लो सेम होप लेनर है उनको ऐसे फेसिंग कर रहा हूँ या 90 डिग्री से बेंड कर दो, इस प्रोसेस में भी मेरी कुछ ईएमएफ जनरेट होगी, राइट, इवन दो करंट इज कॉन्स्टेंट, वाई, बिकॉज एज यू आर चेंजिंग द ज्योमेट्री म्यूचुअल इंडक्टेंस इज चेंजिंग,
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं हिंट छोड़ दे रहा हूं, यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो एज इफ एक सेमी सर्कल में इसमें आगे पीछे करंट दौड़ा दो, तो इट इज लाइक देयर आर टू सेमी सर्कुलर कॉइल्स कैरिंग करंट, और उन कॉइल्स को ऐसे जब बेंड करो तो उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस की चेंज हो गई, समझ में आई बात कि नहीं? तो उस प्रोसेस में जब इसको बेंड कर रहे हो म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो रही है, तो करंट मेंटेन करने के लिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको कैंसिल करने के लिए केमिकल बैटरीज ने भी वर्क किया होगा टू मेंटेन दोस करंट, समझ में आई बात कि नहीं? तो जब इसको बेंड कर रहे हो तो केमिकल बैटरी लेफ्ट सेमी सर्कल लूप में भी करंट मेंटेन करने के लिए वर्क कर रही है, राइट सेमी सर्कुलर लूप में भी करंट के लिए वर्क कर रही है, और मैं भी वर्क कर रहा हूं, तीन लोग वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, लेफ्ट लूप के अंदर बैटरी है, राइट लूप के अंदर बैटरी, मेंटली जो इमेजिन किया मैंने, लेफ्ट लूप की बैटरी वर्क कर रही है बेंडिंग प्रोसेस में, राइट लूप की बैटरी वर्क कर रही है बेंडिंग प्रोसेस में, और मैं तो वर्क कर ही रहा हूँ, ठीक है? नहीं, ये तीनों लोग जो वर्क कर रहे हैं उसकी वजह से मेरा स्पेस में मैग्नेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, ये शायद -2 जूल वुड बी मोर रियलिस्टिक, बट समझ में आ रहा है, ये तीनों के वर्क की वजह से स्पेस में एनर्जी चेंज हो रही है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रिलेट करना पड़ेगा कि अगर 2 जूल स्पेस में एनर्जी चेंज हुई तो इस बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, उस बैटरी ने कितना वर्क किया होगा और मैंने कितना वर्क किया होगा। अगर तुम लोग केयरफुली एनालाइज करोगे तो यू विल कम अप विद अ जनरल रिलेशन कि इनके वर्क्स में एक रेशियो आएगा, तुम देखोगे कि बैटरी का वर्क लेफ्ट बैटरी का वर्क इज टू राइट बैटरी का वर्क, ये तो खैर 1:1 आ जाएगा, एंड नॉट जस्ट सेमी सर्कल, ये किसी भी शेप का होगा, तुम प्रूव कर पाओगे नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ द लूप, इसको रेक्टेंगल ले लो या कोई भी आर्बिट्री अपना पहली जो रोटी बनाई होगी जिंदगी में उस शेप का लूप ले लो, उसको बेंड करोगे तो उस प्रोसेस में जो भी बेंड करो उसको 2 लूप में तोड़ लो, तो लेफ्ट लूप में कुछ वर्क हुआ होगा बैटरी का, केमिकल बैटरी का, राइट लूप में कुछ वर्क हुआ होगा, ये प्रूव कर सकते हो कि ये वर्क हमेशा 1:1 के रेशियो में होंगे, और जो तुमने जो वर्क किया है वो भी एक सिंपल सा रेशियो होगा इनका, तो वो काम हम लोग करेंगे, खुद से एनालाइज कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी एनालिसिस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल ऑल्सो टेक अप, मेरे ख्याल से 5-6 प्रॉब्लम्स और ऐड करूंगा मैं अच्छी, एंड दैट विल बी अवर लास्ट क्लास ऑन इंडक्टेंस, ठीक है? सो विद दिस आई एंड टुडेज क्लास, थैंक यू।